तो आयो बाछो राहुल गांधी, राहुल गांधी। कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, घनश्याम सिंह जी, श्री राम बघेल जी, रणवीर जाटव जी, रक्षा सिरोदिया जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे कैंडिडेट देवशीष जररिया जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, दिल से आपका मैं शुरुआत में धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ा जोश है, सुनिए सुनिए। कुछ दिन पहले ये आपके आज प्रेस वालों ने मुझसे पूछा, भैया शांत हो जाए एक सेकंड, भैया शांत हो जाए, भाषण देने दें थोड़ा। पत्रकार ने मुझसे पूछा, आज पत्रकार ने मुझसे पूछा, इससे पहले मेरा इंटरव्यू हो रहा था, पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये नारा चौकीदार चोर वाला नारा, ये आपने कहां से सोचा, ये आया कहां से? मैंने उनको बोला, ऐसा भाषण हो रहा था छत्तीसगढ़ में, और मैंने बोला, भाषण में बोला कि देखिए चौकीदार जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, चौकीदार जी ने 15 लाख रुपए डालने की बात की, चौकीदार ने किसानों को कर्जा माफ करने की बात की, और जैसे ही चौकीदार ने बोला, उधर 10-15 युवाओं ने बोला चोर है। पहली बार मैंने सुना नहीं, पहली बार मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो मैंने बोला भैया बताओ क्या बोला तुमने, कहते हैं चोर है। भाई और बहनों, ये नारा कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला, राहुल गांधी ने नहीं निकाला, ये हिंदुस्तान के युवाओं का नारा है, हिंदुस्तान के किसानों का नारा है, मजदूरों का नारा है। कुछ दिन पहले, और ये सब जगह फैल गया है, कहीं भी हिंदुस्तान में जाओ ये आपको मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में रेड लाइट पे गाड़ी में खड़ा था, शीशा खुला था, पास में रेड लाइट पे मेरे पास में ऑटो रिक्शा वाले, आप ऑटो रिक्शा रुका, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने मेरे आंख में देखा, मुस्कुराया, कहता है चौकीदार चोर है। सब जगह भैया, किसी भी चौराहे में चले जाओ, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी, सुनिए सुनिए, इलेक्शन कमीशन कहता है, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि देखिए राहुल गांधी चौकीदार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। अरे भाई, आपने ही बोला, आपने ही बोला कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, आपने ही बोला 56 इंच की छाती है, इतनी बड़ी छाती है 56 इंच की, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। पहले ऐसे करते थे नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, काले धन को मिटा दूंगा,
अब राफेल मामले के बारे में मैंने बात उठाई, नरेंद्र मोदी से पूछा भैया बताइए ये चौकीदारी जो आपने की, ये आपने तो अनिल अंबानी की कर दी, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? देखा कभी? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा? बेरोजगार युवा के घर के सामने देखा? ना। अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? लाइन लगी हुई है, लाइन में पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, पहले नंबर पे। अनिल भाई, अनिल भाई, जो चाहते हो मांगो। भिंड में, भिंड जो है यहां के युवा, यहां के परिवार अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजते हैं, आर्मी में भेजते हैं। भिंड के युवा एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आप किसी भी फोर्स में देख लीजिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं भी देख लीजिए आपको भिंड का युवा हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए मिल जाएगा। और शहीदों की, हिंदुस्तान की शहीदों की लिस्ट देखिए, कोई भी लिस्ट देखिए, किसी भी युद्ध की लिस्ट देखिए, शहीदों की लाइन पड़ी लाइन देखिए, और उस लाइन में आपको एक नहीं अनेक नाम मिलेंगे, भिंड के युवाओं के नाम मिलेंगे जिन्होंने कुर्बानी दी। अब चौकीदार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जब 30,000 करोड़ रुपए भिंड के युवाओं से छीने, भिंड के युवाओं से चोरी किए, और आपने जब वो पैसा उस चोर अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला, तो आपको क्या लगा? आपके दिल में कौन सी भावना पैदा हुई कि भिंड के युवा अपनी जान दे रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री उन्हीं युवाओं से चोरी करके उस चोर के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा है? नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे बताइए, देश को बताइए, आपके दिल में कौन सी भावना जागी थी? आपने क्या सोचा था जब मैं आपके बारे में कहता हूं कि चौकीदार चोर है? मैं सबूत लेके बोलता हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बोला, मीटिंग में बोला कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, मीटिंग में बोला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उनको बोला 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। फ्रांस के प्रधान राष्ट्रपति ने बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। हिंदुस्तान के युवाओं को राफेल कॉन्ट्रैक्ट से रोजगार नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अनिल अंबानी ने, भाइयों और बहनों, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। 45,000 करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस पर। उसके भाई ने उसे जेल में जाने से रुका, बचाया। अब आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी, इस चोर को आपने क्यों चुना? इस चोर को हिंदुस्तान के चौकीदार ने क्यों चुना? और आप भिंड के युवाओं को बताओ कि जब मैंने आपसे लोकसभा में यह सवाल पूछे, जब कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने आपसे यह सवाल पूछे, आपने 1.5 घंटा लंबा जवाब दिया,
आपने राजीव गांधी की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, जवाहरलाल नेहरू की बात की, कांग्रेस पार्टी की बात की, मगर आपने राफेल हवाई जहाज, अनिल अंबानी, फ्रांस के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोगों की बात नहीं की। और जब आप लोकसभा में जवाब दे रहे थे, पूरे देश ने देखा, भिंड के युवाओं ने देखा कि जिसकी 56 इंच की छाती हुआ करती थी, जवाब आंख में आंख मिलाकर नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया तो ऐसे दिया, कभी इधर देखें, कभी नीचे देखें, कभी यूं देखें, कभी ऊपर देखें, कभी यूं करें, कभी यूं करें, आंख में आंख चौकीदार नहीं मिला पाया भिंड के युवाओं, क्योंकि चौकीदार ने सिर्फ शहीदों से चोरी नहीं की, चौकीदार ने भिंड के युवाओं से चोरी की। आपको रोजगार मिलना था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, राफेल कॉन्ट्रैक्ट में, राफेल हवाई जहाज बनाने में लाखों युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार मिल सकता था, हाई टेक्नोलॉजी की नौकरियां। राफेल सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, राफेल वेपन सिस्टम है, उसमें रेडार है, उसमें हवाई जहाज है, उसमें हथियार है, उसमें रेडियो टेक्नोलॉजी है, उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। लाखों युवाओं को इस कॉन्ट्रैक्ट से रोजगार मिलता, मगर नरेंद्र मोदी ने, भिंड के युवाओं आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी ने राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आपसे छीना, रोजगार आपसे छीना और अनिल अंबानी के हवाले किया। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने, श्री पारिकर जी जो बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर थे, प्रेस के मित्रों ने उनसे पूछा, भैया बताइए आपको नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लगता है, अनिल अंबानी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसके बारे में आपको क्या लगता है। हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये तो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप उनसे जाके पूछिए। एयरफोर्स के लोगों ने लिखा डॉक्यूमेंट में कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट फ्रांस की सरकार से, राफेल बनाने वाली डासॉल्ट कंपनी से डायरेक्ट सौदा कर रहा है। चौकीदार जी, आप देश को समझाइए कि आपने चोरी क्यों की, और जब आपने ये चोरी की थी तब आपके दिल में कौन सी भावना थी, तब आपने सोचा कि आप भिंड के युवाओं से रोजगार छीन रहे हो, नहीं, तब आपने सोचा कि आप शहीदों का अपमान कर रहे हो, नहीं, ये बातें आपने नहीं सोची। मगर नरेंद्र मोदी जी, न्याय से कोई नहीं बच सकता, न्याय से कोई नहीं बच सकता। अब नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया तो हमने सोचा ठीक है, 5 साल नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, 5,55,000 करोड़ रुपए। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर बेहतर इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मैंने उनसे कहा देखिए मैंने मन बना लिया है, ये नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया, मैं और कांग्रेस पार्टी न्याय करना चाहते हैं। मुझसे कहते हैं, नहीं सुनिए सुनिए, मजेदार बात बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर नरेंद्र मोदी अन्याय करेंगे, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। मैंने उनसे कहा देखिए सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि हम गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भिंड के किसानों के बैंक अकाउंट, भिंड के युवाओं के बैंक अकाउंट में, शहीदों के परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डायरेक्ट सीधा पैसा डालना चाहते हैं। हिल गए वो, हिल गए, राहुल जी ये आप क्या कह रहे हो, कितने लोगों की बात कर रहे हो। मैंने कहा
25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। अरे ये आपने क्या कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी डाल सकती है। मैंने कहा अच्छा नहीं डाल सकती क्या? नहीं। अच्छा चिप्तांबरम जी मुझे बताइए, ये जो अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने डाला, ये क्या फ्रांस की सरकार ने डाला क्या, जापान की सरकार ने डाला क्या, तो हिंदुस्तान की सरकार ने डाला? और ये 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, ये क्या अमेरिका ने सरकार, अमेरिका की सरकार ने इनको पैसा देकर माफ किया क्या? बैंक अकाउंट में क्या पैसा नहीं गया? कहते हां गया तो है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप मेरे लिए एक काम कीजिए, पता लगाइए कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। कहते ठीक है, आपने कहा पता लगाता हूं। गया चिदंबरम जी, गए 5 महीने बाद वापस आते हैं, पूरी रिसर्च की, हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात की, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात की, वापस आते हैं। भैया पेन है आपका, पेन देना, पेन लेकर कागज पे ऐसे नंबर लिख देते हैं यूं यूं। मैंने कहा ये क्या है, 72,000। मैंने कहा ये क्या है? कहते आपने कहा था। मैंने कहा क्या? कहते 72,000 रुपए। मैंने कहा कितने लोगों को? कहते हैं 25 करोड़ लोगों को। मैंने कहा कितने समय के लिए? कहते एक साल के अंदर। मैंने कहा कितने साल के, कितने साल चलेगा? उस दिन तक चलेगा जब तक हिंदुस्तान से गरीबी मिट जाएगी। चिदंबरम जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैंने बोला आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं हिल गया जब ये नंबर मेरे सामने आया, मैं हिल गया। 5 करोड़ परिवारों को हिंदुस्तान की सरकार साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए दे सकती है। मैं चौंक गया। मैंने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हो? कहते हां। मैंने कहा ये पैसा कहां था? कहते ये पैसा नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को दे रहे हैं, मेहुल चौकसी को दे रहे हैं, नीरव मोदी को दे रहे हैं, ललित मोदी को दे रहे हैं, विजय माल्या को दे रहे हैं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा नुकसान तो नहीं होगा? मैं नोटबंदी जैसा काम नहीं करना चाहता। 72,000 रुपए कम पैसा नहीं है, काफी बहुत ज्यादा पैसा है, जिंदगी बदल जाएगी। 5 करोड़ लोगों को 3,60,000 रुपए 5 साल का, आप सोचिए। मतलब यहां कोई शहीद का परिवार हो, विधवा हो, 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में हर महीना, 6,000 रुपए साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000। मैंने कहा चिदंबरम जी से कि भाई नुकसान तो नहीं होगा, इतना पैसा लाखों करोड़ रुपए हम ऐसे दे दें, मध्यम वर्ग का क्या होगा, दुकानदारों का क्या होगा, छोटे बिजनेस वालों का क्या होगा? कहते हैं राहुल जी अजीब सी बात है मगर फायदा होगा। फायदा क्यों होगा राहुल जी, सिचुएशन ऐसी बन गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते राहुल जी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, हर व्यक्ति के जेब से उन्होंने पैसा निकाल दिया, किसानों के जेब से, माताओं बहनों के जेब से, सबके जेब से पैसा निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला, हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था। आपने ये जो शर्ट खरीदी है पैसे से खरीदी ना, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स ने पैसा निकाल दिया, तो जो आप पहले खरीद रहे थे आपने बंद कर दिया, एक शर्ट से काम चला लिया, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, काले चश्मे, फोन, जो पहले खरीदा जाता था वो सब बंद हो गया। नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइज कर दिया, पैसा निकाल दिया सिस्टम से। जैसे माल खरीदना बंद हुआ, दुकानें बंद हो गई, दुकानों का जो धंधा था वो जैम हो गया। जैसे ही दुकानें जैम हुई, दुकानदारों को नुकसान हुआ,
छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले ने कहा भैया फैक्ट्री बंद करो, वहां पर कुछ बिक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह का लागू कर दिया, चलो ब्रेक लगाओ, चलो युवाओं भाग जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, फैक्ट्री तो बंद हो गई, तुम सब बेरोजगार। अब न्याय योजना जैसे ही चालू होगी वैसे ही डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। पहला काम क्या करोगे, माल खरीदोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, युवा, किसान, मजदूर, सब लोग, जैसे ही वो 25 करोड़ लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी। जैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हुई, वैसे ही फैक्ट्री वाले मालिक कहेंगे, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले कहेंगे, चलो भैया आ जाओ, भिंड के ओ, चलो चलो जल्दी आओ, फैक्ट्री चालू हो गई, तुम्हें रोजगार देने की जरूरत है, हमें तो माल बेचना है। तो अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी न्याय योजना। जैसे ट्रैक्टर में डीजल डाला जाता है, वैसे न्याय योजना 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी, वो 25 करोड़ लोग माल खरीदेंगे, दुकानें शुरू हो जाएंगी, छोटे बिजनेस शुरू हो जाएंगे, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स का नुकसान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सोच अब कहां से आई है? नहीं नहीं सुनिए, कहां से यह बात, हमने कहां से सोच निकाली? यह राहुल गांधी ने नहीं सोच निकाली, यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया, यह हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने, उन्होंने हमें बताया है कि भैया दुकान में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, नरेंद्र मोदी उठा के ले गया, पैसा डालिए वापस पहले, नहीं तो इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला। आपकी बात सुनकर मालिक कौन है, आपने क्या समझ रखा है? आप लोग मालिक हो, किसान मालिक है, आप मालिक हो, हम ऑर्डर लेते हैं आपसे, गलत फहमी में मत आइए। हमारा काम आपसे ऑर्डर लेने का है, आपकी बात सुनने का है। आपने हमें बोला न्याय योजना की जरूरत है, चलिए, हमने कहा बिल्कुल सही, पता लगाया, 5-6 महीने काम किया, 72,000 रुपये, आपका नंबर है, मेरा नहीं, यह आपके दिल का नंबर है। और सुनिए, किसानों के पास गए, एक किसान ने जबरदस्त सवाल पूछा, आप हिल जाओगे, ये पूरा का पूरा तंबू हिल जाएगा। कहता है राहुल जी एक बात समझाइए, हमें बात समझ नहीं आई, क्या हुआ? भाई राहुल जी, मैं अखबार पढ़ रहा था, मैंने ये नीरव मोदी मेहुल चौकसी का नाम पढ़ा, मैंने अखबार में पढ़ा कि ये 35,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा लोन में लिए, इन्होंने वापस नहीं किया। राहुल जी मुझे समझाइए, ये नीरव मोदी लंदन में कैसे है? अच्छा नीरव मोदी छोड़िए, ये अनिल अंबानी तो दिल्ली में घूम रहा है, इसने 45,000 करोड़ रुपए लिया, इसने वापस नहीं किया। राहुल जी एक बात समझाइए, जब किसान, बैंक का किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं देता, उसे तो जेल में डाल देते, मंदसौर में उसको गोली मारते, मगर ये अनिल अंबानी घूम रहा है 45,000 करोड़ रुपए लेके। राहुल जी ये कैसे हो रहा है? राहुल जी अमीर लोगों को कर्जा न लौटाने के लिए कोई सजा नहीं होती, मगर हिंदुस्तान के किसान को कर्जा न लौटाने के लिए पहले 2 लाठी लगती है फिर जेल होती है, कमाल की बात। ये आपको सही लगता है क्या? सही लगता है? ऐसे होना चाहिए क्या? होना चाहिए? अगर चाहते हो तो छोड़ दो, फिर क्या करना है? नहीं होना चाहिए ना। अब सुनिए, मैनिफेस्टो में लाइन कांग्रेस पार्टी ने डाल दी, एक किसान की सोच थी, एक किसान की सोच हमारी मैनिफेस्टो में गई, एक लाइन, हिंदुस्तान के कोई भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा।
मालिक आप हो, मालिक आप हो, ऑर्डर आपको देना है, हमें सुनना है। हमारा काम आपको मन की बात बताने का नहीं है भाई और बहनों, हमारा काम आपके मन की बात सुनने का है, ऑर्डर लेने का है, काम करने का है। अब आपने नरेंद्र मोदी के वायदे सुन लिए, आपने नरेंद्र मोदी जी से 2 करोड़ युवाओं का वायदा सुन लिया। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, न्याय योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर मैंने पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी वो 22 लाख नौकरियां आपके हवाले कर देगी। मैं आपको 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख नहीं बोलूंगा, आंकड़ा मेरे पास लिखा हुआ है, 22 लाख नौकरियां खाली है, 22 लाख आपके हवाले कर दूंगा। मगर 24 लाख नहीं बोलने वाला मैं। अगर आप मुझे कहोगे भैया 25 लाख बोलो, मैं नहीं बोलता। अगर आप मुझे बोलो 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल दो, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा। मगर मैं 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा। तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में स्वीप करना है, नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे, वो गाड़ी गई, खत्म, फ्लॉप शो होगा काम। पहले आप उनका चेहरा देख लो, आप उनका चेहरा देख लो, आप उनका जो उनमें जो ऊर्जा है उसे देख लो, उदास से हैं, हार गए हैं चुनाव। आप भैया पूरा दम लगाकर मध्य प्रदेश में स्वीप करना है, पूरा दम। और ये हमारे जो बब्बर शेर बैठे ना, बब्बर शेर जो बैठे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विचारधारा के लोग, पोलिंग बूथ पे जाना है और मतलब स्वीप कराना है। आप पक्का 100%? शाबाश, नमस्कार, जय हिंद।